हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे कच्चे केले के चिप्स। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाकर आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी रख सकते हैं। इसको आप चाय के साथ खा सकते हैं या कभी भी स्नैक खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कच्चे केले के चिप्स बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 कच्चे केले, ये लगभग आधा किलो हैं। सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे। इसका छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए इसको उतारने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम इसको इस तरह से उतारेंगे। इसका ये जो ग्रीन पार्ट है इसको भी हमें अच्छे से साफ करना है, नहीं तो जब हम कच्चे केले चिप्स बनाएंगे तो इसमें थोड़ी सी कड़वाहट आती है। ये देखिए, इसका छिलका मैंने अच्छे से उतार दिया है। अब इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे और बाकी बचे हुए केले के भी इसी तरह छिलके उतार लेंगे। ये देखिए, सभी केले से छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब इसको हम कट करेंगे। इसको हम चिप्स की शेप में कट करेंगे, थोड़ा सा तिरछा। ज्यादा मोटा इसको हमें नहीं कट करना है और ना ही इसको ज्यादा पतला कट करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने कट किया है। आप चाहें तो इसे चिप्स कटर से भी काट सकते हैं। मैंने इसको तिरछा काटा है, आप चाहें तो इसके गोल शेप भी काट सकते हैं। ये देखिए, सभी केलों को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये न ज्यादा मोटा है न ज्यादा पतला है। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल हम मूंगफली या नारियल का डालेंगे जो हम व्रत में खा सकते हैं। सोयाबीन का तेल हम बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि उसे हम व्रत में यूज नहीं करते हैं। तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे कच्चे केले जो हमने कट किए थे। हमें बहुत सारे एक साथ नहीं डालने हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम डालेंगे, ये चिपकने नहीं चाहिए। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम तेज गैस पे बनाएंगे तो ये सेक तो जाएंगे लेकिन ये कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह से चलाते हुए हमें इसको तलना है। ये देखिए, ये अच्छे से तल गए हैं। इसको लो फ्लेम पे तलने में लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। बाकी बचे हुए चिप्स को भी हम इसी तरह तलकर तैयार करेंगे। ये सभी चिप्स को तलकर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे और गोल्डन बने हैं, ये क्रिस्पी भी बहुत बने हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ केले के चिप्स बनकर तैयार हुए। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।